आज हमारे साथ होंगे एक ऐसी ही मेहमान जो शेयर करेंगी अपनी रसोई की एक लाजवाब रेसिपी हमारे साथ। आज की हमारी मेहमान है वंदना नांगिया जी। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रसमे रसोई में। थैंक यू सो मच। तो वंदना जी, हमने सुना है कि आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। जी जी। और किस किस चीज में रुचि है आपकी? मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अच्छा। और मैं उन बच्चों की टीचर हूँ जिनको लाइफ में चैलेंजेस हैं कि वो कम सुनते हैं, कम बोलते हैं, या हम आपकी तरह बात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो मैं उनकी टीचर हूँ। बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनको जीने के मायने देती हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको बहुत जरूरत है इस चीजों की। ठीक है, तो खाना आप कौन कौन सा बनाती हैं? जो मेरे बच्चों को पसंद हो। बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? दो। दो बच्चे हैं? जी। कितने बड़े बड़े? बेटी मेरी 15 साल की है, बेटा 13 साल का है। तो वंदना जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पाई विद पोटैटो पाई बेकिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जी, इसके अंदर आटा जी, मैक्रोनी, ये मैश्ड पोटैटोज हैं, मैश्ड पोटैटोज जी, और ये गोभी, मटर, आलू, गाजर, बीन्स, और ये है घिया। घिया जो ये बहुत ही ऐसे इंग्रेडिएंट है जो बच्चे जरा नाक से घोड़ लेते हैं, नहीं खाते हैं, इसीलिए डाला गया है। बिल्कुल जी। और ये डेकोरेशन के लिए हमारा कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और ये टमाटर है, और आटा और दूध, और ये मार्जरीन है। मार्जरीन, हाँ, बटर नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो एक और हेल्थ ऑप्शन है जी, और ये हंकर्ड है, दही में पानी हटाकर, ठीक है, उसमें जो उसका जो सॉलिड पोर्शन रह जाता है, ठीक है, ये वो है। तो चलिए बनाते हैं इसे। जी, क्या करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले हम मार्जरीन डालेंगे। मार्जरीन डालेंगे जी। ये मार्जरीन है, और ये अप्रोक्सीमेटली 4 टेबल स्पून हम तकरीबन 4 टेबल स्पून जी 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 ठीक। नॉर्मली तो गृहणियां इतना कुछ करती नहीं रिसर्च, तो आप इस पर रिसर्च करती हैं या बातचीत से हो जाता है? बातचीत से। देखिए, स्कूल में हम जाते हैं। अच्छा। बीइंग टीचर्स, खाली पढ़ाई डिस्कस नहीं होती, बहुत कुछ और भी डिस्कस होता है। बहुत कुछ और। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये सारी टीचर्स जो स्टाफ रूम में मिल जाती हैं, तो ये करती क्या है, हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचाती हैं, लेकिन आज पता चला कि ये हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजों की रेसिपी भी डिस्कस करती हैं। जी, तो चलिए, अभी मार्जरीन मेल्ट हो चुका है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। आटा डालेंगे, और आटा हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के आसपास। वैसे नॉर्मली जब हम बनाते हैं कोई भी व्हाइट सॉस जी, तो हम उसमें यूज करते हैं मैदा जी, लेकिन आप इसमें कर रही हैं आटा यूज, तो ये भी एक हेल्थ ऑप्शन की वजह से, इसीलिए इसीलिए बिल्कुल इसीलिए। दूध डालेंगे जी, और इसको गाढ़ा करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि इसमें लम्स ना आए। हाँ, इसमें वो गुठलियां ना पड़े जी। मैं हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक स्वादानुसार जी, स्वादानुसार। ये थोड़ा सा पेपर है जी, जो टेस्ट अनुसार आप डाल रहे हैं। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो ENT सर्जन है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर घर पे हैं, डायटिशियन घर पे हैं, तो बच्चे न्यूट्रिशन से वंचित कैसे रह सकते हैं? पर ऐसा है कि ज्यादा कई बार करने से उसमें भी वो थोड़ा सा रिवोल्ट कर जाते हैं, इस वजह से मैं उनकी मनपसंद चीज बनाती हूँ, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ये जरूरी है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस डालेंगे जी। तो हम इसे वापस गैस पे ले जाएं? गैस पे अभी नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो टमाटर डाला है और दूध है, तो फटने का थोड़ा सा डर है। अब इसके अंदर जो मैक्रोनी हमने उबाली थी, ठीक है, वो मैक्रोनी हम इसमें डालेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली, ये समझ लीजिए, 1 कप के बराबर है, 1 कप मैक्रोनी बड़े कप के बराबर स्वेल हो जाती है। ठीक है जी। अब ये जब मिक्स हो गया जी, तब हमारे पास ये सारे वेजिटेबल्स हैं जो बॉइल्ड हैं। अच्छा। अब ये हमारी फूलगोभी, फूलगोभी है, और बीन्स, और इसमें तो सीजनल वेजिटेबल्स का बहुत इस्तेमाल हो सकता जी, है जी, जैसे आजकल इसमें आप जैसे बीन्स यूज कर रहे हैं, हम गाजर यूज कर रहे हैं जी, मशरूम हो गए, मशरूम, पालक हो गई जी जी, गाजर, और ये है घिया। घिया वो इंग्रेडिएंट जो बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, और चुपके चुपके मैं इसमें डाल देती हूँ, और घुल मिल के पता भी नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। इतनी सारी सब्जियां हैं, उनका ध्यान मैक्रोनी पे ही रहता है। बिल्कुल। और ये है आलू। आलू जी, ये भी हमने पहले बॉइल कर रखा है। बॉइल्ड आलू है इसलिए हेल्दी है, फ्राइड होते तो फिर थोड़ा सा नुकसानदायक है। बिल्कुल। और ये है हमारी बॉइल्ड पीस, पर इसमें मैं थोड़ा डालूंगी, क्योंकि थोड़ा हम यूज करेंगे ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। अच्छा, और सुंदर बनाने, सुंदर बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे, क्योंकि काफी सारी सब्जियां डाल दी हैं जी, और थोड़ा पेपर और।
इसको अब हम साइड में रख देंगे, ठीक है? और अब हम बनाएंगे पाइपिंग के लिए आलू तैयार करेंगे, ठीक है? ये है मैश्ड पोटैटो है, तो ये भी बॉइल्ड ही है, ये भी बॉइल्ड है, इसलिए इसमें भी कोई फ्राइड आइटम नहीं है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे मार्जरीन, तो करीब एक बड़ा चम्मच। हाँ, एक बड़ा चम्मच डालेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि मार्जरीन जितना कम इस्तेमाल कर सके उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है? क्योंकि हम वैसे भी हंकर्ड आपने काम यूज करेंगे इसमें, जी हंकर्ड ये भी जी इसके अंदर डालेंगे करीब तीन बड़े चम्मच। हाँ जी, इसमें सॉल्ट पेपर, सॉल्ट पेपर जी बिल्कुल डालेंगे। शेफ, आप मुझसे तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चॉइस पसंद है, खाना बनाना पसंद है, आपको क्या पसंद है बनाना और खाना? अब मेरी चांस इंटरव्यू की जी। आपको क्या लगता है, मैं कहूँ कि माँ के हाथ का खाना के तो जवाब नहीं। शुरुआत तो ऐसी ही हुई होगी। शुरुआत ऐसी हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरा भी एक्सपोजर हुआ सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स की तरफ, मैं भी इनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया और कहा कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, समझो अपनी जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ मत किया करो, क्योंकि हमारे यहाँ हेरिडिटरी ही प्रॉब्लम रही है डायबिटीज की जी। तो शुरू से ही उन्होंने मुझे आदत डाली कि मैं आलू कम खाऊं, चीज कम खाऊं, इवन नमक भी कम खाऊं जी, जी। तो मेरे अंदर है वो कि मैं अपने आप संभाल लेता हूं अपने आप को, जी, जी। और इतना मैं उनकी तरफ खींचा हुआ आप नहीं जाता जी। तो ये बन गया, ये तैयार हो गया हमारा। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेक डिश है, ठीक है, जिसको हमने इसके अंदर हमने ग्रीस लगाया हुआ है पहले से, बटर लगा, इसमें भी मार्जरीन लगा दें, ठीक है? और इसको हम इसमें पोर आउट कर देंगे। तो जो हम ये बेक डिश बना रहे हैं जी, इसमें हमने कोई चीज नहीं डाली, तो नहीं। इसके लिए मतलब हमने वैसे ही नहीं डाली है या वैसे ही नहीं डाली है, पर अगर बच्चों के लिए आप जैसे स्पेशली बना रहे हैं, पार्टी के लिए बना रहे हैं, तो जरूर इसमें चीज डाल सकते हैं, डेकोरेशन के लिए या अंदर ही व्हाइट सॉस बनाते समय आप डाल दें, चीज स्प्रेड डाल दें, जो भी मतलब जो इसमें थोड़ा चीजी टेस्ट आ सके, कभी टेस्ट के लिए अगर करना चाहें तो कभी कर सकते हैं, राइट? अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, और ये है हमारे शिमला मिर्च, ये हमने पहले जी ग्रेट कर रखा है, हाँ थोड़ा सा करके, और इसको हमने पतला पतला काटा हुआ है, और इसके अंदर हम लगाएंगे अब टमाटर। अच्छा, इसके अंदर टमाटर लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे, थोड़ा और कलरफुल हो जाएगा, ताकि बच्चों की आईज को थोड़ा और अपीलिंग कर लेंगे, और जितना अपीलिंग होता है बच्चे उतना उसको शौक से खाते हैं असल में जी। अब हम इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, के अंदर अब इसकी पाइपिंग को जो आउटलाइन है हमारी जो इसे डिश की जी, उसमें हम डालेंगे और डेकोरेट करेंगे इसको। क्या मैं कर दूं आपके लिए जी? प्लीज, थैंक यू सो मच, आप मेरी मदद कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो अपनी मदद कर रहा हूं, अभी आपको पता ही नहीं कि जब ये पक जाएगा तो मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं। सेंटर में भी थोड़ा डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी रेड सॉस की डॉट डाल के उसके ऊपर हम लगाएंगे मटर। इसके ऊपर लगाएंगे मटर, अच्छा, जैसे आपने कहा था जी, कि डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा। बस अब ये तैयार है, अब इसको हम बेक करेंगे। तो चलिए उठाते हैं इसे और डाल देते हैं अवन में जी, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल जी। तो अब चेक करेंगे वेजिटेबल पाई 10 मिनट बाद। तो वंदना जी, बन गया हमारा वेजिटेबल पाई, बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है इसमें सारी सब्जियों की और पोटैटो की। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है जी। वेजिटेबल पाई विद पोटैटो पाइपिंग बनाने के लिए आपको चाहिए मार्जरीन 5 बड़े चम्मच, आटा 3 बड़े चम्मच, दूध 2 कटोरी, नमक स्वादानुसार, सफ़ेद मिर्च पाउडर स्वादानुसार, टमेटो केचप 2 बड़े चम्मच, मैकरोनी 1 कटोरी, फूल गोभी 1 कटोरी, बीन्स 1 कटोरी, कटी हुई गाजर 1 कटोरी, लौकी 1 कटोरी, उबले हुए आलू 2 कटोरी, उबले हुए मटर 1 कटोरी, दही 3 बड़े चम्मच, शिमला मिर्च और टमाटर के स्लाइसेस गार्निश के लिए। अब वेजिटेबल पाई बनाने की रेसिपी का रिकैप। सबसे पहले एक पैन में मार्जरीन गरम करें, आटा और दूध डालकर उबालें, नमक और सफेद मिर्च डालें, टमेटो केचप, उबली हुई मैकरोनी और सभी सब्जियां डालकर पकाएं। पाइपिंग मिक्सचर के लिए एक बोल में उबले हुए आलू,
मार्जरीन और दही लें, नमक और सफेद मिर्च मिलाएं, सब्जी और व्हाइट सॉस के मिक्सचर को बेकिंग डिश में डालें, ऊपर से शिमला मिर्च और टमाटर से गार्निश करें। पाइपिंग बैग की मदद से दही और आलू के मिक्सचर को इस तरह से प्लेस करें। केचप और मटर से सजाएं। अब डिश को ओवन में 220 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक बेक करें। वेजिटेबल पाए तैयार है।